आज दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विनोद कुमार बिनी जी मौजूद है। बिनी जी, आज क्या कार्यक्रम रहेगा? अरविंद जी कितने बजे विधानसभा सत्र के लिए जाएगी? 1 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। फीवर है, गले में इन्फेक्शन है और पेट में इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो उनका फिर भी ये मानना है कि दिल्ली की जनता के लिए मैं जितना समय दे पाऊँ, जितना अधिक से अधिक काम कर पाऊँ, उनकी नीयत ये रहती है कि मैं कम से कम कम समय में अधिक से अधिक काम कर पाऊँ। उसी के लिए उन्होंने सोचा है कि मैं विधानसभा सत्र जरूर जाऊँगा। यानी समझा जाए कि अरविंद जी जा रहे हैं? जाने की उम्मीद, पूरा 100% जाने की उम्मीद है। और बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुआ तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बीच मेरे से यही कहा है कि मैं 100% 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेंगे। कल आपको विश्वास मत हासिल करना है, कल बहुत बड़ा दिन होगा। क्या उम्मीद है कि विश्वास मत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अरविंद ने कल एक बयान दिया था कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे की सरकार है। दरअसल हम अल्पमत की सरकार हमारी है, हमने मुद्दों के आधार पर कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है, बीजेपी से भी समर्थन मांगा है, लेकिन इनका सबका पुराना इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो उसको देखते हुए ये है कि हम समर्थन तो मांग ही रहे हैं, तो जब तक समर्थन नहीं होता जब तक तो डाउटफुल तो है ही। जनता की, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को सारी चीज़ों से हमें अवगत कराना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े वायदे आपने पूरे कर दिए, बिजली की समस्या, आपने जो बिजली के बढ़े हुए बिल थी उसकी समस्या को दूर आपने किया, पानी आपने सस्ता दे दिया, इसके बाद लगता है कि कांग्रेस के लिए आपके साथ धोखा करना मुश्किल होगा, अब हाथ खींचना, क्योंकि उसे जनता को फिर जवाब देना होगा। ये तो कांग्रेस को सोचना है कि देश की, दिल्ली की जनता को सोचना है, देश की जनता को सोचना है, ये हमारा विषय नहीं है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हमने तो मुद्दों के आधार पर सरकार बनाई है, मुद्दों के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं, और जैसे ही फैसला होगा जनता के बीच में हम हमेशा जाने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। और रही बात, 2 मुद्दे हमने पूरे किए, हम 18 के 18 मुद्दे पूरे करेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे जो हमने मुद्दे वादे नहीं किए उनको भी पूरा करेंगे। तीसरा मुद्दा क्या होगा, क्या पूरा किया जाएगा? अभी मेरे ख्याल से 2 के बाद 16 मुद्दे बचे हैं, 16 के 16 पे हम काम कर रहे हैं। आप संसदीय सचिव भी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं एक पार्टी का एक वॉलंटियर हूँ, मुझे मेन गेट ऑफिस के मेन गेट से खड़ा होने से लेकर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे विनोद कुमार जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरी तरीके से निभाएगी। बहरहाल, जो विश्वास मत कल केजरीवाल सरकार को हासिल करना है उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अभी भी पूरी तरीके से भरोसे में नहीं है। कैमरामैन नितिन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।